मोड्यूल थर्टी फाइव प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की इट इज बेसिकली द टोटल ऑफ अ सेलर बाई सेलिंग इट्स आउटपुट के मल्टीप्लाइंग प्राइस विद आउटपुट दैट इज बिंग प्रोड्यूस बाई पर्टिकुलर सेलर जो भी मेरे पास ऑप्टेन होगा उसको आप क्या कहोगे दैट इज कॉल्ड एज टोटल रेवेन्यू के टोटल रेवेन्यू इज ऑपटेन By multiplying price of output with quantity that is being sold in the market. Depending upon the nature of the elasticity of demand, total revenue there is an depending upon the nature of the elasticity of demand, total revenue will be different. If demand is elastic, then price and total revenue relates inversely. In the elastic range of the demand curve, इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल रेवेन्यू क्या होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे और जब आप इन इलास्टिक डिमांड की रेंज में जाओगे इन द डिमांड करव अंडर इन इलास्टिक रेंज ऑफ द डिमेंड कर प्राइस एंड रेवेन्यू रिलेट्स डायरेक्टली इफ प्राइस इंक्रीजेस टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गए इंक्रीज हो जाएंगे और प्राइस डिक्रीज हो जाएगी दैन टोटल रेवन्यू भी क्या होंगे इट विल डिक्रीज सो देर इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एंड टोटल रेवन्यू जब हम प्राइस इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम यूजली इसको मैयर करते हैं अलोंग अर्टिकुलर डिमांड कराम में जो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं मैं बेसिकली आपको दो डिमेंड करो कर रहा हूँ एक डिमेंड कर्व पे क्या है कि अलॉन्ग वन पर्टिकुलर डिमांड कर एंड बी और उस डिमांड कर्व के अगेंस्ट जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी कंप्यूट करूंगा वो मुझे इंडिकेट करेगा व्हाट इज चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स और इन टू पॉइंट्स के अगेंस्ट हम ये भी रिपोर्ट करेंगे व्हाट आर द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म अगर वो इलास्टिक रेंज में होगा कि इफ इन द इलास्टिक रेंज देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल रेवेन्यू में भी कुछ चेंज आएगी लेकिन वो चेंज क्या होगी वो ऑपोजिट चेंज होगी या या यू कह लें कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी अंडर इलास्टिक रेंज टोटल रेवेन्यू आपके पास डिक्रीज हो जाएंगे और जब इसी डिमांड कर्व में हम बात करेंगे इन इन इलास्टिक रेंज ऑफ द डिमांड कर्व वहां पे क्या होगा कि अगर आपके पास प्राइस इंक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो जाएंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन ये जो जनरलाइजेशन हमने बात की है कि अंडर इलास्टिक रेंज एंड इन इलास्टिक इलास्टिक रेंज में जी टोटल रेवेन्यू आपके पास नेगेटिवली एसोसिएटेड है विद इलास्टिसिटी एंड विद इलास्टिसिटी और इन इलास्टिक रेंज में टोटल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी पॉजिटिवली रिलेटेड है ये जनरलाइजेशन होल्ड नहीं करेगी जब हम कहें कि डिमांड कर शिफ्ट कर गई फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन कि जब हम यहां पे बात करते हैं कि डिमांड कर शिफ्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू एन अदर पोजीशन अगेंस्ट प्राइस टू इनिशियली क्या थी डिमांड फॉर एप्पल्स इज इक्वल टू थ्री अलोंग न्यू डिमांड कर डिमांड फॉर एप्पल्स क्या हो गई कि देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट डिमांड फॉर एप्पल्स बिकम्स फोर यूनिट हाँ जी यहां पे हम किस रेंज में हैं वी आर रेलेटिवली इन इन इलास्टिक रेंज ऑफ द डिमांड कर्व्स लेकिन होगा क्या कि व्हेन कंज्यूमर मूव्स फ्रॉम पॉइंट बी टू तो पॉइंट सी वहां पे इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू होगा ऑल तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस लेकिन हमने स्टेटमेंट क्या दी थी हमने स्टेटमेंट ये दी थी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा अगर डिमांड इन इलास्टिक हो तो लेकिन यहां पे क्या हुआ कि प्राइस तो चेंज नहीं हुई लेकिन टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और ये जो इंक्रीज इन रेवेन्यू रेवेन्यू है दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन इलास्टिसिटी वो जो हम स्टेटमेंट दे रहे थे एन एसोसिएशन बिटवीन इलास्टिसिटी एंड टोटल रेवेन्यू वो यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते जब डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे और इसी पैटर्न पे ये कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं होगी कि इफ वी मेक कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटी इन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कि जब आप टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात करोगे इट माइट बी पॉसिबल देयर इज चेंज इन एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल कि एक टाइम पीरियड में हो सकता है देर इज लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स और एक दूसरे टाइम पीरियड में क्या हो सकता है कि इट माइट बी पॉसिबल देयर इज अ नॉन लीनियर एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स और जब आप वहां पर इलास्टिसिटीज कंप्यूट करोगे टू डिफरेंट टाइम पीरियड तो वो आपको कोई प्रॉपर चीज रिपोर्ट नहीं करेगी और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि कंपेरिजन ऑफ इलास्टिसिटी इन टू टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमें क्या करना है वी शुड बी वेरी मच केयरफुल क्योंकि वहां पे जो आपकी इलास्टिसिटी है वो चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंज इन साइज ऑफ द कॉफिशेंट जब साइज ऑफ कॉफिशेंट चेंज हो जाएगा कि चेंज इन क्वांटिटी बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस तो वो चेंज क्यों आई दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर्स दैट वी हैव नॉट कंसिडर्ड एट द कंपोटिशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड